हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1110 यूट्यूब चैनल। 1110 यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस करने के फ़ायदे। जी हाँ दोस्तों, किस करने के 8 ऐसे फ़ायदे मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, जिनको यदि आपने जान लिया तो आप बगैर किस के रह ही नहीं पाओगे। दोस्तों, यदि आप अपने पार्टनर को डेली किस करते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि किस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप ये जानोगे कि किस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किस ना सिर्फ एक हेल्दी रिलेशनशिप बल्कि इसके सेहत से जुड़े भी कई फायदे बताए जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक एक रोमांटिक किस शरीर से 2 से 26 कैलोरी को घटा सकता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं इस तरह के बेनिफिट, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको 8 ऐसे बेनिफिट बताऊंगा जिनको यदि आपने जान लिया तो आप अपने पार्टनर को डेली किस करने लग जाओगे। तो इसलिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके पहले बेनिफिट्स के बारे में। किस करने का पहला बेनिफिट्स है, पहला फायदा है, वो ये है कि हैप्पी हॉर्मोन्स। जी हाँ दोस्तों, किसिंग आपके ब्रेन को केमिकल्स का एक कॉकटेल रिलीज करने के लिए ट्रिगर करता है, जिससे आपको अच्छी फीलिंग्स आती है। इसमें ऑक्सीटोक्सिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी भावना और जुड़ाव को मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस करने से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं आपके अंदर से, आपके पार्टनर के अंदर से। यदि आप किस करते हैं तो आपके अंदर से ऑक्सीटोक्सिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी भावनाओं को आपको जोड़ते हैं अपने पार्टनर से और आप दोनों में प्यार और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इसलिए आपके और आपके पार्टनर के लिए किस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। तो इसलिए आप अपने पार्टनर को किस किया कीजिए। तो ये पहला फ़ायदा हो गया, पहला बेनिफिट्स हो गया। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट्स के बारे में। किस करने का दूसरा फायदा है, वो ये है कि ऑक्सीटोक्सिन। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीटोक्सिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं किस करने से, तो ऑक्सीटोक्सिन भी एक बेनिफिट्स है। यदि आप अपने पार्टनर को किस करते हैं तो आपके अंदर से एक ऑक्सीटोक्सिन केमिकल रिलीज होता है, जिसका संबंध कपल्स बॉन्डिंग से है। ये केमिकल उस वक्त रिलीज होता है जब आप किसी से खास जुड़ाव महसूस करते हैं। आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ साथ कई तरह के सेहत संबंधी मामलों में भी इसकी खास भूमिका होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोक्सिन एक इस तरह का केमिकल है जो आपके अंदर से किस करते समय रिलीज होता है, जो आपकी सेहत संबंधी मामलों में काफी भूमिका निभाता है। तो इसलिए आप भी अपने पार्टनर को किस किया कीजिए। तो ये दूसरा बेनिफिट्स हो गया किस करने का। अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट्स के बारे में। तो किस करने का तीसरा बेनिफिट्स है, तीसरा फायदा है, वो ये है कि स्ट्रेस एंजाइटी से राहत। जी हाँ दोस्तों, किस करने से स्ट्रेस एंजाइटी से राहत मिलती है। किसिंग के दौरान जब कॉर्टिसोल लेवल कम होता है तो इंसान तनाव मुक्त भी महसूस करता है। किसिंग के साथ साथ अफेक्शन, कम्युनिकेट जैसे गले लगना या आई लव यू भी कहना साइकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बेहतर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस करने से स्ट्रेस एंजाइटी में राहत मिलती है, और ये हमारे अफेक्शन, कम्युनिकेट जैसे गले लगना या आई लव यू बोलना किसी को, ये हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बेहतर माना जाता है। तो ये सारी चीजें यदि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके साथ करते हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए हेल्दी और बेनिफिट्स होता है। तो इसलिए ये एक्टिविटीज भी आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं ताकि आप स्ट्रेस एंजाइटी से राहत पा सकें, आपको डिप्रेशन ना हो, आप एकदम हेल्दी हैप्पी रहें और आपका पार्टनर भी हैप्पी रहे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एकदम हैप्पी हेल्दी रहे, आप दोनों खुश रहें, तो आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। मतलब अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं, उसे हर समय रोमांटिक देखने के लिए उसे रोमांटिक भी फील करा सकते हैं, उसे कभी कभी आप आई लव यू बोल सकते हैं। ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा। तो ये किस करने का तीसरा बेनिफिट्स हो गया। अब बात करते हैं किस करने का चौथा बेनिफिट्स के बारे में। तो किस करने का चौथा बेनिफिट्स है, वो ये है कि ब्लड प्रेशर में राहत। जी हाँ दोस्तों, एक प्रसिद्ध किताब की लेखिका एंड्रिया डिमरिजिया कहती हैं कि किस हमारे हार्ट रेट को बढ़ाकर रक्त वाहिकाओं को डायलेट करती है। रक्त वाहिकाओं को डायलेट होने से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर तुरंत कम हो जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर के लिए किस काफी ज्यादा बेनिफिट्स माना जाता है। जी हां दोस्तों, किस हमारे शरीर के लिए ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होता है। जब आप अपने पार्टनर को किस करते हो तो आपके ब्लड प्रेशर में भी राहत मिलती है, तो आपका ब्लड फ्लो जो होता है बहुत तेजी से काम करने लगता है और आपके शरीर को हैप्पी हेल्दी रखता है। तो किस करने का ये भी एक बेनिफिट्स माना जाता है। तो ये किस करने का चौथा बेनिफिट्स हो गया।
आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं किस करने के पांचवें बेनिफिट्स के बारे में। तो किस करने का पांचवा फायदा है वो ये है कि सिर दर्द ऐंठन से राहत। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स माना जाता है कि किस करने से सिर दर्द में और ऐंठन से राहत मिलती है हमको। रक्त वाहिकाओं के डायलेक्ट होने और रक्त प्रवाह के बढ़ने से ऐंठन की समस्या से भी राहत मिलती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि रक्त वाहिकाओं के डायलेशन से जब ब्लड प्रेशर नीचे आता है तो सिर दर्द जैसी समस्याओं से भी राहत मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक्सपर्ट की माने जब हमारी रक्त वाहिकाओं के डायलेट होने से रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर से ऐंठन जैसी सिर दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। तो इसलिए आप अपने पार्टनर को किस करते हैं तो ये बेनिफिट्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, मतलब कि आप हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो किस करने का ये पांचवा बेनिफिट्स हो गया, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं किस करने के सिक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो किस करने का छठा बेनिफिट्स है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल में इम्प्रूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल में इम्प्रूवमेंट। 2009 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रोमांटिक किसिंग का अनुभव शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी जुड़ा हुआ है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। इससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का जोखिम भी कम होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो हमारे शरीर में होने वाली डिजीज से राहत मिलती है जब हम अपने पार्टनर को किस करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूवमेंट होता है। जब कोलेस्ट्रॉल इंप्रूवमेंट होता है तब हमारे शरीर में जो समस्याएं होती हैं उनसे हमें राहत मिलती है। तो इसलिए हमारे लिए किस सबसे ज्यादा बेनिफिट्स रखता है। तो ये किस करने का छठा बेनिफिट्स हो गया, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं किस करने का सातवें बेनिफिट्स के बारे में। तो किस करने का सातवां बेनिफिट्स है वो ये है कि कैलोरी बर्न। जी हाँ दोस्तों, किस करने से हमारे शरीर की कैलोरी बर्न होती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि किस हमारे शरीर की कैलोरी को तेजी से बर्न कर सकता है। एक मिनट का किस 2 से 26 कैलोरी तक घटा सकता है। इसे वजन घटाने का बेस्ट फार्मूला बेशक ना समझा जाए लेकिन सच है कि इससे एक्स्ट्रा कैलोरी घटती है। जी हाँ दोस्तों, किस करने से हमारे शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है। हमारा शरीर जो है उसका वजन कम हो सकता है। हम मतलब एकदम से हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे जब हमारे शरीर की कैलोरी बर्न होगी, तब हम जाहिर सी बात है हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। मतलब कि जब हमारे शरीर की कैलोरी ही नहीं बर्न हो पाएगी, हमारे शरीर में जो कैलोरी बनती है वो बर्न नहीं होती है, तो हम हैप्पी नहीं रह पाते हैं। तो हम जब अपने पार्टनर को किस करेंगे तो हमारे शरीर की कैलोरी भी बर्न होती है। तो ये एक बेनिफिट्स है किस करने का, तो इसलिए आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं। तो ये सातवां बेनिफिट्स हो गया, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट और आठवें बेनिफिट्स के बारे में। किस करने का आठवां बेनिफिट्स है वो ये है कि आत्मविश्वास पर प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स माना जाता है किस करने का, कि आत्मविश्वास पर प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, किस करने से आपके आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। किसिंग से शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बूस्ट होता है और कार्टिसोल लेवल घटता है। इससे हमारा आत्मविश्वास अधिक प्रबल होता है। साल 2016 में हुई एक स्टडी में अनहैप्पी लोगों में कार्टिसोल का स्तर काफी ज्यादा पाया गया था। तो इसलिए एक किस आपके आत्मविश्वास पर भी प्रभाव डालता, आपका आत्मविश्वास भी प्रबल होता है यदि आप अपने पार्टनर को एक किस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने 8 ऐसे बेनिफिट्स बताए हैं किस करने के, जो आई होप आप समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस ना ही, मंथ के लिए मैं थैंक्स वॉचिंग।